We have seen a lot of art galleries and museums all over, but we might not have experienced a sports memorabilia auction. The first sports auction hosted by Digvijay Sinh Kathiwada, which contains products used by sports players right from boxing gloves to cricket bats to jerseys. Digvijay Sinh, who took up this great challenge of restoring pieces from its former glory, talks about the displayed pieces. Historic group mein, late 1800s mein W.G. Gray, jo founder mane jate, cricket ke father mane jate hai, unke items hai. Phir Kuwar Ranjit Singh ji, to Nawanagar ke jo raja the, jo kabhi India nahi aaye, lekin videsh mein rehte the, unke items hai, hand signed, bahut rare. फिर जैसे वो जो पर्सनालिटीज़ थे वो अपने टाइम के बहुत मशहूर पर्सनालिटीज़ थे क्रिकेट के. आजकल के ज़माने में देखो तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर का यूज्ड आइटम जो उन्होंने मैच में इस्तेमाल किया है, वर्ल्ड कप में इस्तेमाल किया है सचिन ने, वो है. फिर मिडिल इनिंग्स में आप देखो, जैसे मैं कहता हूँ एरापल्ली प्रसन्ना का जैकेट, कैप, ये बहुत रेयर आइटम्स है, ये हाथ में नहीं आते पकड़ में जो हम बेच सकते, या वो क्रिकेटर्स अपने आप अपने इमोशनल रीज़न के लिए रखते हैं. तो ये है थोड़े थोड़े बहुत, वैसे तो काफ़ी आइटम्स है जो और भी है जिनका काफी इंटरेस्ट रहेगा लोगों को. एक्टर राहुल बोस एक्सप्लेनिंग द स्पेशलिटी ऑफ द ऑक्शन सेज, इस ऑक्शन में कबड्डी के पीसेस हैं. अब कबड्डी के पीसेस दो साल पहले हमको दिखाई नहीं देते थे किसी स्पोर्टिंग मेमोरेबिलिया ऑक्शन में, लेकिन इस बार कबड्डी के पीसेस इसलिए हैं क्योंकि कबड्डी इज़ नाउ बिकम अ नेशनली टेलीवाइज स्पोर्ट, और मेरे हिसाब से इट्स अ इंटरेस्टिंग पीस क्योंकि 10 साल बाद शायद आपको आप कहें कि यार जब कबड्डी पहले सालों में बड़ा हो रहा था यहाँ पे, तो मेमोरेबिलिया कहाँ पे था. सो आई थिंक दैट ये जो मेमोरेबिलिया का एक किस्सा है, मिसाल के तौर पे 1960-70 के इंडियन टेस्ट क्रिकेटर्स के पास मेमोरेबिलिया है ही नहीं, लेकिन अगर ये स्पोर्टिंग मेमोरेबिलिया ऑक्शन कल्चर हुआ करता था उस वक्त, देन ऑल दो स्टाफ वुड हैव बीन देयर. अपार्ट फ्रॉम डूइंग सच इवेंट्स, राहुल बोस इज इन्वॉल्वड एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर for an upcoming biopic named Purna of the youngest girl 13 who climbed the Mount Everest. As for the auction, what do you think? Would you pay to own a moment of history? If yes, then head to the auction center.